इटावा में सपा प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव शहर में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा चुनाव पर वो जमकर बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शुरुआत में 7 उम्मीदवार खड़े किए, 3 समाजवादी पार्टी के थे और यही स्थिति रहती तो कोई चुनाव की स्थिति नहीं होती, निर्विरोध चुनाव होता, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए एक बड़े सेठ को खड़ा कर दिया गया। तो वहीं कई विधायकों को हमारे तोड़ा गया, लालच दिया गया, धमकी दी गई। इसी के साथ उन्होंने और भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इटावा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, शुरू में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से 7 उम्मीदवार खड़े किए थे और 3 समाजवादी पार्टी के थे, और यही स्थिति रहती तो कोई चुनाव की ज़रूरत नहीं थी, निर्विरोध चुनाव होता। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए उन्होंने एक बड़े सेठ को खड़ा कर दिया और कई हमारे विधायक जिनकी निजी कुछ समस्याएं थी, परेशानियां थी, उनको दबाव देकर और लोभ लालच जो दिया जाता है वो तो जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या बिल्डर बड़ा खड़ा है तो वो तो स्वाभाविक है कि देगा ही। हमारे 7 विधायकों को उन्होंने तोड़ा, तो संघर्ष तो कांटे का था और अभी भी काउंटिंग 5 बजे से शुरू होगी, उसके बाद स्थिति साफ होगी। 8वां उम्मीदवार या तो उनका हारेगा या तीसरा हमारा हारेगा, यही रिजल्ट आएगा और तो कुछ आ नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से सत्ता के बल का, धनबल का प्रयोग किया जा रहा है राजनीति में और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जिस तरह से देखा गया कि कई क्रॉस वोटिंग हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो सब भाजपा में आना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी अब समाप्त वाली पार्टी हो गई है। खैर, केशव प्रसाद मौर्य की खीज नहीं निकल रही है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में उनको हमने हरा दिया था। अब वो रोज़ कहेंगे ही है। हालांकि दिल्ली वाले लोगों ने मुख्यमंत्री की इच्छा के खिलाफ उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है, तो इस भारी भरकम पद पर रहते हुए भी उनका अपनी हैसियत के अनुसार वचन जो बोलते हैं वो तो हमेशा बहुत हल्के होते हैं। उस पद पर बैठे हुए इसकी गरिमा के अनुकूल होते ही नहीं, उनके मुंह से जो निकलता है कि एक पहले हमारे यहाँ भटेली जी बहुत अच्छे साहित्यकार थे इटावा के, वो कहा करते थे कि मूर्ख का मुंह बम है, बोले वचन वचन भुजंग, तो वो ही है वो। चलो सर, ये जन समर्थन जिस तरीके से आगरा में राहुल गांधी जी और साथ आए, इस तरीके का जन समर्थन देख रहे हैं आप? जन समर्थन तो बढ़ता ही जाएगा। आप देखिए, अभी तो डर की वजह से लोग ये आतंक पैदा कर दिया है। आतंक जब जब सत्ता पैदा करती है तो सत्ता का चलचलाव शुरू हो जाता है। हम पहले भी देख चुके और आप भी देखेंगे। आबिद रजा ने ही पार्टी छोड़ दी है। किनने? आबिद रजा ने। वो वहाँ बदाई मारे सचिव है। अरे सचिव सैकड़ों आए हैं।